टिकटॉक आने और जाने के बाद में देश में छपरियों की आबादी मानो कोरोना की दूसरी लहर जितनी हो गई है, क्योंकि अच्छा छपरी बनने के लिए अपनी नीयत नहीं अपने जूते साफ होने चाहिए। शक्ल चाहे कितनी भी गंदी हो, कलर आपके बालों में होने चाहिए। और सोशल मीडिया लड़कियों के लिए वरदान है, क्योंकि टैलेंट आया तो ठीक, नहीं तो 4 किलो मेकअप लगा के पापा की परी बन जाएंगे। गजब बेइज्जती। सुहेलवर, आज हम बात करने वाले गांड मटकाने, कमर दिखाने और लाल बत्ती जलते ही नंगा हो जाने और कुत्ते बिल्ली जैसे म्याओ म्याओ करने वाले टैलेंटलेस छपरियों की मुंह बोली माँ सिल्की सिंह के बारे में। क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हम समझाता हूँ, आइए। सबरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? ये अधेड़ उम्र में मेकअप में लिपी सुंदर महिला आजकल इंस्टाग्राम पे क्रिंज के अलावा अपने 10 साल के बेटे के साथ अश्लीलता फैलाने के लिए भी काफी फेमस है। चीथू? तो चलो ना मुद्दे की बात करते हैं। महिलाएं गाली देने से विवाद हो सकता है तो शरीफों जैसे रोस्ट करते हैं। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। बहुत गर्मी लग रही है यार। तुम लड़कियों को इतनी गर्मी क्यों लगती है? हम हॉट है ना। अरे आंटी जी, इतना खुला खुला होने के बावजूद भी आपको गर्मी लग रही है? हाँ मानता हूँ, गाड़ी की हेडलाइट और पीछे रखा हुआ गद्दा दिखाने से ही आपको व्यूज मिलते हैं। मैंने कहीं सुना है कि लड़कियों के लिए होता है लाज और शर्म गहना, लेकिन आपने इन तीनों में से कुछ भी नहीं पहना। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अरे आंटी जी, ये तो गलत बात है। मैंने आपको लड़कों की कमजोरी क्या बता दी, आप कमर दिखाने लगी। भगवान भला करे उस गाने को जूही चावला ने संभाल लिया, नहीं तो इस संस्कारी गाने को आप आइटम सॉन्ग बना देते। और प्लीज प्लीज प्लीज, एक लास्ट वाला सीन हो जाए यार प्लीज। ए माधर चुप, अपना काम करना। प्यासी प्यासी मर जाऊंगी, ऐसे मुझे ऐसे तड़पाना। अच्छा पहले ये बताओ कि आपको ऐसे वीडियो बनाने का मकसद क्या है? फर्स्ट, एमटीवी ने एक सुपर मॉडल बनना चाहती है या फिर समाज में ठरकी मुठ्ठोलों की आबादी बढ़वाना चाहती है? मुझे ऐसा लगता है कि आप बरसों से पैसे और हैंडपंप की तलाश में स्कली ग्रुप की सोशल मीडिया के जरिए आप अपनी प्यास बुझाना चाहती है। ये कोई गांडी कह रहा है? अब तुम पूछते हो तेरा हम कौन होते हैं, हम तुमसे दिल लगा के दिन रात रोते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या है। जिस चूते के लिए आप अपनी छाती पीट रही है वो किसी और के साथ अपना मुंह काला कर रहा है। हाँ वो अलग बात है कि आप इस काली साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो और रेड लिपस्टिक में आपका फिगर बहुत बॉम लग रहा है। ट्रस्ट मी, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? रौवेला राजा हम तक खटिया बिछवनी देखे लगा के मच्छरदनिया हो चली चली। देख रहे हो, ये चूजा अभी अंडे से निकला भी नहीं है और ठरक इसके अंदर वैक्सीन की तरह दौड़ रही है। और ये है इस चवन्नी की मम्मी जो इंस्टाग्राम पे चंद व्यूज के लिए अपने बेटे के साथ असली वीडियो बनाते हुए इंस्टाग्राम पे पाई जाती है। शर्म आनी चाहिए आपको, आप पढ़े लिखे हैं कि क्या है? चाची जी, अपना तो ना सही, इस चवनी का फ्यूचर के बारे में तो सोचो, क्योंकि सोशल मीडिया वो अंधा कुआं है जो जितना भी भरो वो भरता नहीं है। तो सोचो तो क्या होगा, ये लोंडा बड़ा होके ये सारे वीडियोस देखेगा और तब क्या आपका लाडला आपसे नजरें मिला पाएगा? बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। मुझे ये समझ नहीं आता ये बात बात में अपना पिछवाड़ा क्यों दिखाते हैं। और आंटी, मुझे आपके सैया का बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन आपके जो 12.5 लाख फॉलोअर्स है ना, आपके वीडियो देखकर उनका पैजामा जरूर गीला हो गया होगा। बदतमीज होने का एक फायदा है, फालतू लोग दोबारा मुंह नहीं लगते। अरे मैडम, आप कौन से भ्रम में जी रहे हो, फालतू लोग ही बदतमीज होते हैं। जब लाखों लोगों को छोड़कर आप पे किसी की नजर जाती है तो समझो आप खास हो। जब शेर चलते हैं तो कुत्ते भौंकते ही। अरे यही तो गलती कर गई आप, आज की डेट में सभी उल्टा होता है। अगर लाखों लोगों की नजर एक ही इंसान पे टिकी है तो समझ जाना समाज उसकी कह के लेने वाला है। और इतना ही नहीं, उसके गांड में छतरी डाल के खोलने का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई। मुझे ऐसा लगता है ऐसी सुंदर कन्या अपना स्टॉल लगा के जलेबी बेचे ना, इनके फॉलोअर्स के जलेबी खाकर पेट भरे या ना भरे, लेकिन इसको सामने देखकर चरम सीमा की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। ये क्या बात करता है? अभी मजा आएगा ना। अगर आप मुझसे परेशान हो
तो मैं क्या करूँ, मुझसे तो मेरे घर वाले भी परेशान हैं। हाँ ये तो लाजमी है, आपके घर वाले तो क्या, आपकी कॉलोनी वाले भी आपसे परेशान होंगे, क्योंकि जिसकी बीबी अपने हस्बैंड को छोड़ के आपने 150 फॉलोअर्स पे ध्यान दे रही हो, तो मतलब यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। तो अगर खत्म करते इस वीडियो को, ये वीडियो घनी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, और जो भी नए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक बात रह गई, ये वीडियो दिल पे मत लेना, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।